ये खत अक्टूबर 2006 का है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु ने ये खत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुशील कुमार को तब लिखा था जब सुशील कुमार अफजल के केस की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने को तैयार हो गए थे। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने संसद हमले के लिए अफजल गुरु को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। उसी सजा को अफजल ने सुशील कुमार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। टास्क फोर्स ने मुझे यूं ही उठा दिया था, एक दिन टॉर्चर किया यूजलेसली, पैसे ले लिए मेरे से, बाकी हैरासमेंट होती रहती थी। दैट ऑल्सो प्लेड टू सम एक्सटेंट आई कैन से, बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस थिंग। इस खत में अफजल गुरु ने संसद हमले की साजिश से जुड़े जो सबसे अहम बात कही है, उसके तार देवेंद्र सिंह से जुड़ते हैं। अफजल गुरु के मुताबिक देवेंद्र से उसकी पहली मुलाकात हुमहामा में एसटीएफ कैंप में हुई थी। सरेंडर करने वाला आतंकवादी होने की वजह से अक्सर उसे एसटीएफ और लोकल एसपीओ तंग करती थी। देवेंद्र को नहीं, जिस टाइम अफजल साहब को पकड़ा था ना 2000 में, उस टाइम विनय गुप्ता था एक, हाँ। तो उससे बात हुई थी सोपोर में, उसने उस कैंप में अफजल को लाया था पहली बार मुलाकात के लिए। उन्होंने फोन किया कि पैसे दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो पैसे जमा किए मैंने, मेरा जो मम्मी ने सोना मतलब दिया था किया 1 लाख जमा, तो दे दिया उसको। खत में अफजल गुरु ने लिखा है कि एक बार मुझे उठाकर हुमहामा कैंप ले जाया गया था जहां मुझे काफी टॉर्चर किया गया। इसके बाद 1 लाख रुपए देने के बाद ही मुझे छोड़ा गया। बदगाम के एसएसपी आशाक हुसैन का साला अल्ताफ हुसैन मुझे जानता था, मैं उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एक रोज अल्ताफ हुसैन मुझे डीएसपी देवेंद्र सिंह के पास ले गया। तब देवेंद्र सिंह ने मुझसे कहा था कि मैं उसका छोटा सा काम कर दूं, उसके एक परिचित को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। देवेंद्र ने कहा कि चूंकि मैं दिल्ली रहता हूं और दिल्ली से वाकिफ हूं, तो उसके परिचित के लिए आसानी से किराए के एक घर का इंतजाम कर सकता हूं। मैं उस शख्स को नहीं जानता था, पर मुझे शक था कि वो कश्मीरी नहीं है क्योंकि कश्मीरी बोल नहीं पाता था। पर देवेंद्र का हुक्म था, मैं टालने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसे अपने साथ दिल्ली ले आया। दिल्ली में एक दिन उसने कहा कि उसे एक कार खरीदनी है, मैं उसे अपने साथ करोल बाग ले गया जहां से उसने एक कार खरीदी। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम मोहम्मद है। दिल्ली में वो कई और लोगों से भी मिला। इस दौरान मोहम्मद और मुझे देवेंद्र सिंह लगातार अलग अलग नंबरों से फोन करता था। फिर एक दिन मोहम्मद ने कहा, अगर मैं कश्मीर वापस जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ। इसके बाद उसने इनाम के तौर पर मुझे 35,000 रुपए भी दिए। आपको बता दें कि संसद हमले के दौरान जो 5 आतंकवादी मारे गए थे उनमें से एक मोहम्मद था। मोहम्मद पाकिस्तान से कश्मीर के रास्ते भारत आया था और जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था। आज तक को 2001 में दिए इंटरव्यू में भी अफजल गुरु ने मोहम्मद का नाम लिया था। मोहम्मद के साथ जो जैश के बाकी 4 और पाकिस्तानी आतंकवादी दिल्ली आए थे उनमें हमजा, राजा राणा और अता शामिल थे। ये 5ों ही संसद हमले के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे।